तो अभी मैं इस सुरंग के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सा सावधानी हमें यहाँ पर बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये मिट्टी की सुरंग है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ में हम आएंगे। आइए अंदर। जब नारनौल के अंदर मुसलमान और यहाँ पर हिंदुओं की लड़ाई हुई थी, इसकी एक खास बात ये है कि ये एक दिन के अंदर ये बनवाई गई थी इमारत। ये सब आप देख पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर हमेशा आपको मिलती है एक अनटच बिल्कुल वीडियो, जो आज से पहले कभी आपने ना कहीं सुनी होगी ना कहीं देखी होगी। मेरा मकसद यही रहता है कि आप सबको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाऊं, एक ऐसा मॉन्यूमेंट दिखाऊं जो कभी आपने नहीं देखा होगा। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखकर आज मैं फिर से एक मॉन्यूमेंट आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। जिस जगह पर अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये दोस्तों पड़ती है अपने आप में हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल शहर के अंदर एक गाँव पड़ता है डाणी कीरा रोड। पीछे जो मेरे आप ये एक बड़ी पहाड़ी देख पा रहे हैं, इसके जो काले पत्थर मुझे नज़र आ रहे हैं सामने, ये एक काली पहाड़ी एक तरह से यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। पहली, जो यहाँ पर एक मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी सुरंगें यहाँ पर बनाई हुई है, जो कि मैंने भी अपने जीवन के अंदर पहली बार देखी है यहाँ पर ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ क्लिप हम लेंगे यहाँ की मिट्टी की जो सुरंगें बनी हुई है उनकी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक अधीरा। रोकने की कोई बात नहीं है, अधीरा नाम का कोई एक स्मारक है, वैसे कोई अधीरा कोई जानवर या किसी का नाम नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो क्या चीज़ है। अभी चलते हैं हम। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उन सुरंगों की तरफ, जो आपने शायद ही ऐसी सुरंग कहीं देखी होगी। बिल्कुल एक अजीब सुरंग है मिट्टी के अंदर। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल ये एकदम खुला खुला, इसी के अंदर वो सुरंगें बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, वो सुरंगें मुसलमान के टाइम पर यहाँ पर बनवाई गई थी। नारनौल एक ऐसा एरिया है दोस्तों, जो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में थी उस समय के अंदर, और ये लगभग बात हो चुकी है 100 से 150 साल पुरानी। अभी मैं आपको एक सुरंग यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो सामने गड्ढा देख पा रहे हैं आप, ये वाला, एक बार ये देखिए आप, एक बार यहाँ से काफ़ी बड़ा ये गड्ढा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सुरंग है काफ़ी बड़ी। ये देख रहे हैं, ये सुरंग है यहाँ पर बनी हुई है। मैं आपको एक बार इसके नीचे एक बार लेकर चलूँगा, थोड़ा सा बारीकी से आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये बनी हुई है। अभी मैं इस सुरंग के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सा सावधानी हमें यहाँ पर बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये मिट्टी की सुरंग है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ में हम आएंगे। आइए अंदर। तो यहाँ पर जो आप ये सुरंग देख पा रहे हैं छोटी सी, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि चोर यहाँ पर छुपे थे और उनकी जो बाइक थी वो इसी के अंदर दबा कर रखते थे, और पूरा इन्वेंटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखते थे। ये सब नज़ारा जो खुला एरिया आपको नज़र आ रहा था उसके नीचे का है। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी की सुरंग इस तरफ बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, और ये पूरा हिस्सा है सारा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ये पूरी सुरंग किसी मशीनों से नहीं, हाथ से खोदकर बनाई गई थी। मिट्टी के अंदर जो कंकर निकाले जाते थे उस समय, उन कंकरों को निकालने के चक्कर में इन सुरंगों को बनाया गया था। और एक बार अंदर जाने के बाद ये पता नहीं कौन सी सुरंग का मुंह किधर से निकलता है, इसलिए इनके अंदर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, मौत को दावत देना ही एक तरह से मान सकते हैं। अब ले चलता हूं मैं आपको अधीरा की तरफ। दोस्तों सामने जो आप देख पा रहे हैं, जो इमारत आपको नज़र आ रही है पहाड़ी के ऊपर, वही है अधीरा। इसका नाम है अधीरा, और कब बनवाई गई थी, किसने बनवाया था और क्या इसका इतिहास है, जितना हमें पता लगा है यहाँ के बड़े बुजुर्गों से, पूरा हम आपको बताएंगे। और ये इमारत जो है पूरी अच्छे से दिखाएंगे। ये रास्ता है इसका जाने का एकमात्र, पथरीला और कांटों से भरा हुआ। दोस्तों अभी मैं इस इमारत के बिल्कुल पास में पहुंच चुका हूं, और ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एक पथरीला रास्ता है दोस्तों,
और ये पूरी पहाड़ी काली पहाड़ी एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके पत्थर है बिल्कुल काले, और जो ये इमारत है ये भी यहाँ के पत्थर से ही यहाँ बनवाई गई थी। और कब बनवाई गई थी ये सारी चीज़ आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा मेरे साथ में इस रास्ते से हम गुजर कर चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, और दूर से हमें ये इमारत काफ़ी छोटी नज़र आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये बनी हुई है। और अभी मैं इसके जैसे जैसे पास में जा रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी ये इमारत मुझे नज़र आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के साथ में आप जुड़े रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपको वीडियो अच्छी लगे। अभी चल रहे हैं दोस्तों और बिल्कुल इसके पास में पहुँच चुके हैं, और ये पत्थर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कितने पथरीले और कितने सारे पत्थर यहाँ पर जमा हो रखे हैं। एक छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर ये बनी हुई है। इस तरफ से आएंगे क्योंकि इस तरफ काफ़ी कांटे झाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी इतनी सारी, इनमें से ही गुजर कर हमें आना पड़ता है, थोड़ा सा निकल कर बच कर सावधानी के साथ में। और यहाँ से अब देखिए इसका लुक कि कैसा दिखता है दोस्तों। यहाँ से मैं नज़र डाल रहा हूँ इसके ऊपर तो मुझे नज़र आता है इसके चार गेट मुझे नज़र आते हैं चारों तरफ। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है, जब नारनौल के अंदर मुसलमान और यहाँ पर हिंदुओं की लड़ाई हुई थी, लगभग ये बात है दोस्तों आज़ादी से पूर्व या फिर आज़ादी के आसपास की, तो यहाँ पर लड़ाई के दौरान ये जो इमारत है ये बनवाई गई थी मुसलमानों के द्वारा। यहाँ के निवासी और बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ये इमारत यहाँ पर मुसलमान ने बनवाया था। और इसकी एक खास बात ये है कि ये एक दिन के अंदर ये बनवाई गई थी इमारत, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि दूर से हमें छोटी नज़र आ रही थी लेकिन पास में आकर पता चल रहा है कि इतनी बड़ी इमारत है। और अपने आप में शायद ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक दिन के अंदर इतनी इमारत बनवाना, और वो भी ऐसे लड़ाई के टाइम पर, ये काफ़ी बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका पर्पस था बनवाने का यहाँ पर रहने का, जब मुसलमानों को यहाँ पर ठिकाना नहीं मिल रहा था आसपास के एरिया के अंदर, तब यहाँ पर छोटी सी पहाड़ी के अंदर यहाँ पर उन्होंने ऐसे इमारत बनवाई। इसका नाम अधीरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दिन के अंदर बनवाई गई एक इमारत है, और ये कहीं ना कहीं इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया था। वैसे तो काफ़ी बड़ी इमारत एक दिन के अंदर बना दी थी मुसलमानों ने, लेकिन फिर भी ये अधूरी रह गई थी, इस वजह से इसका नाम अधीरा पड़ गया था। ये कुछ इस इमारत का इतिहास था। तो अब मैं इसका हिस्सा दिखाता हूँ आपको, जब नज़र डालते हैं हम वहाँ से तो हमें नज़र आता है कि ये अरावली पर्वत के पत्थर लेकर और साथ में चूना पत्थर से ये बनवाई गई थी। साथ में हमें एक काफ़ी बड़ा गेट नज़र आता है और ये पूरा बनवाया गया था एक स्क्वेयर फॉर्म के अंदर। और इस तरफ भी हमें एक गेट नज़र आता है, मतलब इसके चारों तरफ एक एक गेट है, और हम अंदर ले जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से ये बनवाया गया था। आइए दोस्तों, ये एक इमारत बिल्कुल अज्ञातवास है, जो यहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि ऐसी इमारत यहाँ पर बनी हुई है। और मेरा काम ऐसा ही है कि बिल्कुल एक छुपी हुई इमारत आपको मैं दिखाऊँ। जब इसके गेट की मैं बात करता हूँ तो लगभग इसका गेट मैं मान सकता हूँ 20 फुट का ये गेट है पूरा यहाँ पर ये। और आइए अंदर मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, आइए बढ़िए थोड़ा आगे। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन ज़रूर है लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ अंदर आने के बाद कितनी सुंदर तरीके से इसको बनवाया गया था। एक बार अंदर आकर देखिए तो नारनौल अपने आप में एक ऐतिहासिक नगर है, और पूरे हरियाणा के अंदर और ख़ास तौर पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर नारनौल के अंदर सबसे ज़्यादा मोन्यूमेंट्स पुराने देखे जाते हैं, जैसे कि जल महल, चोर गुम्बद, ऐसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जिसका रखरखाव पुरातत्व विभाग अच्छे से रख रहा है फिलहाल। लेकिन ऐसी छुपी हुई इमारत नारनौल के अंदर भी है और यहाँ के लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक एक चीज़ें। इस तरफ नज़र डालिए आप एक बार, यहाँ पर देखिए ये गेट है यहाँ पर बना हुआ, और इसके अंदर पतली पतली ईंटें और ऊपर की तरफ और पत्थर लगाए गए थे, पूरी पत्थर से बनी हुई है। और उसके बाद में वही शेप के अंदर यहाँ पर आप थोड़ा सा पास में आकर दिखाइए, ये देखिए आप यहाँ पर कितने सुंदर डिज़ाइन से ये पूरा गेट की शेप के अंदर पूरा बनवाया गया था। यहाँ पर ये हिस्सा कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक छोटा सा आला भी बनवाया गया था ये देखिए यहाँ पर। और काफ़ी ऊंची दीवार है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी एक किले की बराबर एक पूरी दीवार है। जब इस तरफ हम नज़र डालते हैं यहाँ से तो इस तरफ भी सेम वहीं उसी प्रकार 20 फुट का लगभग ये गेट है, और इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर हवा चल रही है दोस्तों क्योंकि एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान है ये, और यहाँ पर इसके अंदर से काफ़ी हवा हमें महसूस हो रही है।
और इस तरफ भी एक सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर बनवाया गया था और साथ ही आला भी इसके अंदर बनवाया गया था। और ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है इसका, पूरा इस तरह से पूरी जो इमारत है, जो स्मारक है, ऐसे बनवाई गई थी। तो देखा ये अंदर से कितनी खूबसूरत इसको बनवाया गया था सिर्फ एक दिन के अंदर। और इसकी एक ख़ास बात और मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनवाई गई थी ऊपर जाने के लिए। कितनी छोटी छोटी यहाँ पर सीढ़ी बनवाई गई थी और इतनी बड़ी, इतनी ऊँची, मतलब चौड़ाई में इतनी और ऊँचाई में इतनी ज़बरदस्त सीढ़ी बना रखी है। आइए ऊपर चलते हैं। बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, एकदम छोटी, थोड़ा सा हमें सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी यहाँ पर चढ़ने के लिए। आ जाओ। अभी मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर आने के बाद मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसकी जो दीवार है वो लगभग 3 फुट की दीवार है, इतनी चौड़ी और इतनी मोटी दीवार बनवाई जाती थी। और अब यहाँ से जो आप नज़ारा देखिए नीचे का, कितना ज़बरदस्त और कितना सुंदर हमें नज़र आता है पूरा ये हिस्सा इसका, स्मारक का एकदम अंदर से यहाँ पर हमें नज़र आता है कि ऑक्टागनल शेप के अंदर ये पूरी बनवाई गई थी, लेकिन वास्तव में इसका बाहरी जो हिस्सा है वो बनवाया गया था इसको स्क्वायर फॉर्म के अंदर। और जब हम यहाँ से नज़र डाल रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अष्टभुजाकार इसको बनवाया गया था अंदर की साइड से। और इसके जो झरोके हैं, इसके जो गेट हैं, कितने बेहतरीन लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसकी जो नक्काशियाँ हल्के हल्की इसकी गेट के अंदर की गई थी वो भी कितनी हमें सुंदर नज़र आती है। और ये पैड़ा है इसका जो सीढ़ियाँ जिस तरफ से हम आए हैं यहाँ ऊपर की तरफ। और एक छोटी सी ये एक अज्ञातवास इसको मैं बोल सकता हूँ जो यहाँ लोगों को नहीं पता है। और सामने मैं नज़र डालता हूँ तो ये पहाड़ी है और इस तरफ जब मैं कैमरा घुमाता हूँ तो आपको यहाँ से पूरा नारनौल शहर यहाँ से आपको नज़र आएगा सामने की तरफ। दोस्तों मैंने आपको एक बिल्कुल छुपी हुई इमारत जिसको हम अज्ञातवास बोल सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है ऐसी इमारत मैंने आपको दिखाई है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे लिए ऐसे बनाए रखना। धन्यवाद।